नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश, प्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण। प्रवासियों का होम क्वारंटीन अनिवार्य। राज्य में टीकाकरण में तेजी लाने पर दिया जोर। देश भर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से। 18 साल से अधिक आयु के लोगों का होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में जुटा प्रशासन। नारसन बॉर्डर पर हो रही कोविड जांच। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। और बागेश्वर जिला अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए 26 बेड तैयार। 28 स्थानों पर हो रहा टीकाकरण। जिले में कोरोना के 106 एक्टिव केसेस। और अब समाचार विस्तार से। एक बार फिर दूसरे राज्यों से वापस आने वाले प्रवासियों को प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए पोर्टल को पुनः एक्टिव किया जाएगा। साथ ही लौटे प्रवासियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा हर जिले में बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी और बाहर से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में ये आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। हर जिले में कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने की आवश्यकता है। ग्राउंड में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि स्वास्थ्यकर्मी और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स संक्रमित न हों। इसके लिए सभी तरह की सावधानी बरती जाए। इसके अलावा टीकाकरण में और तेजी लाने की भी जरूरत है। पूरी तरह से भारत सरकार से हमको हर जरूरत और जो आवश्यकता है कोविड के तहत वो सारा मिल रहा है और उसको हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं। हर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, अन्य जो पीएससी सीएससी है वहाँ भी हमने व्यवस्था की है। देहरादून में केवल उत्तराखंड का ही नहीं तो बगल पड़ोसी राज्य के अधिकतर लोग यहाँ पर हैं। अरे, हमारा मानवीय धर्म है कि जो भी आएगा बाहर से उसको भी हम लोग पूरी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं दें। इस बीच आज जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक 3012 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 27 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में आज 66,726 लोगों का टीकाकरण किया गया। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से कोविड के टीके लगाए जाएंगे। केंद्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा कर दी। इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% वैक्सीन की आपूर्ति वे राज्यों और खुले बाजार में कर सकेंगे। वैक्सीन निर्माता कंपनी को राज्य सरकारों और खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले ही घोषित करनी होगी। अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित 50% वैक्सीन में से ही निजी अस्पताल अपने लिए वैक्सीन खरीद सकते हैं। इनमें केंद्र सरकार के लिए निर्धारित 50% की आपूर्ति शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का अच्छा फैसला है। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। बहुत अच्छा फैसला है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि दूसरी लहर में देखने को आया है कि युवा अधिक संक्रमित हुए हैं, क्योंकि युवाओं को लगता है कि उनकी तो इम्यूनिटी बहुत है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन लगाना चाहिए और वैक्सीन की कोई कमी देश भर में नहीं है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि देहरादून में 1000 बेड का अस्पताल बनाने पर मंथन चल रहा है। इस अस्पताल को निजी संस्थान के सहयोग से कोविड अस्पताल के तौर पर संचालित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कड़े निर्देश हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई पहले मेडिकल संस्थानों को की जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि नर्सिंग होम हॉस्टल्स के अलावा कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। दूसरा हमने कहा है कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त है क्योंकि हमारी 5 यूनिट्स ऑक्सीजन बनाती हैं। विश्वास के साथ ये भरोसा दिलाता हूँ कि ऑक्सीजन की कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी। हंस फाउंडेशन की चेयरमैन परम पूज्य मंगला माता जी ने कह दिया कि हम 1000 बेड कोविड के लिए यहाँ पर देंगे। मैं उनका आभार करता हूँ और अभी हम जगह चिन्हित कर दी और शीघ्र ये बेड लग जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड 19 महामारी से सभी राज्यों में उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। उन्होंने देश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में कोविड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की बात कही ताकि राज्यों के बीच आपसी तालमेल बन सके। बैठक के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विधान भवन में कैंप लगाकर 361 विधानसभा के कार्मिकों और उनके परिजनों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई। उन्होंने कहा कि वे सभी विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कर सभी को अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अपील करेंगे। जैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने अपने अपने विधानसभाओं में कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि हम भी अपने प्रदेश में कंट्रोल रूम बनाएंगे। और इसके साथ साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि हम नीचे स्तर तक इस संवाद को बढ़ाएं, तो मैंने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी माननीय विधायकगणों से इसी प्रकार का वर्चुअल जोड़ने का काम करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि जितना ज्यादा वो सक्रिय होकर जनता के बीच जाके इस चेन को तोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोरोना जांच की जा रही है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही बाहरी राज्यों से आए लोगों को प्रवेश यहां दिया जा रहा है। बॉर्डर पर यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं जिन्हें बॉर्डर पर से ही वापस भेजा जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि कोविड 19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो यात्री अन्य राज्यों की बसों के द्वारा उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना जांच कराकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार जो शासन द्वारा गाइडलाइंस और एसओपी में अपडेशंस दिए जा रहे हैं, अपडेटेड निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके अनुपालन के लिए जो हमारी संबंधित टीम्स हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। चेकिंग तो अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है, लगातार टीम वहाँ पर बनी हुई है और सभी वाहनों की जो चेकिंग है, थर्मल स्कैनिंग है और सैनिटाइजेशन इत्यादि की प्रक्रिया पूरी बॉर्डर चेक पोस्ट पर की जा रही है। बागेश्वर के जिला अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए 26 बेड तैयार किए गए हैं। अस्पताल में अभी 12 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी के लिए 3 डॉक्टर सहित 17 लोगों का स्टाफ तैनात है। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 28 स्थानों पर टीकाकरण कार्य चल रहा है। जिले में बाहर से आने वालों का बिलौना और कौसानी में कोविड टेस्ट किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के 1560 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1437 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव 106 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले तो जो टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ा दी है और बाहर से आने वाले हर लोगों पर नजर रखी जा रही है। अगर केसेस हमारे पास बढ़ते हैं उस कंडीशन में हमने जो कोविड केयर सेंटर 50 बेड का बनाया है, हमारी प्लानिंग चल रही है कि उसको हम जो है डीसीएससी में कन्वर्ट कर देंगे। उसमें करीब करीब हमने हर बेड पर ऑक्सीजन की सिलेंडर की तैयारी कर दी है और भी जो भी डीसीएससी से रिलेटेड जो सामान या इंस्ट्रूमेंट है वो वहां पे हमने तैयारी कर दी है।
सीमांत जनपद चमोली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जांच और टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी है। जिले में कल कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 184 मामले एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक जिले में 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन कस्बों और गांवों में कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहा है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गौचर और पांडवाखाल चेकपोस्ट को सक्रिय कर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीएस राणा का कहना है कि जिले में अब तक 3,665 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,472 लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए 20 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा 105 लोगों को होम क्वारंटीन भी किया गया है। अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चमोली में जो एक्टिव केस हैं 184 एक्टिव केस हैं, इसमें से लगभग 120 हमारे पास होम आइसोलेशन में हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तक हम लगभग 90,000 वैक्सीनेशन डोज लगा चुके हैं। इसमें हम हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से ऊपर वालों के लिए हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। वहीं चंपावत में जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जगह जगह सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों को अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में भी इसको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि कोई भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन नहीं कर रहा है तो उसको जागरूक भी किया जाए और अगर उसके बाद भी नहीं सुनता है तो उसके बारे में प्रशासन या पुलिस को अवगत कराएं। और जो हमारे केसेस हैं, जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं, उनके बारे में भी तुरंत जो है शासन या प्रशासन या मेडिकल को या पुलिस को तुरंत अवगत कराया जाए, जिससे शहर में रहते हुए कार्रवाई की जा सकती है। पौड़ी गढ़वाल में बीते दिनों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई। पिछले 48 घंटों में जनपद में संक्रमितों की संख्या 202 हो गई है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में प्रशासन सतर्क हो गया है। कोटद्वार की उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम को आदेश दिया गया है कि वे नगर को बार बार सैनिटाइज करते रहें, साथ ही सामाजिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग का भी पालन किया जाए। इसमें हम लोगों ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं और साथ में पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर उनको कहीं पे इसकी वॉयलेशन मिलता है तो वो इसमें उचित कार्यवाही करें। अनुरोध किया जा रहा है लोगों से भी कि जिनको सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं कोविड के, तो फिर वो जाके अपने आप को हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में और बाकी जगह जहां भी सैम्पलिंग हो रही है वहां मैक्सिमम सैम्पलिंग करवाएं। हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो रेगुलरली चल रहा है, बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा कॉडिया कैंप है वहां पे भी हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चल रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोटद्वार स्थित चेकपोस्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है, साथ ही उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं पुलिस उनका चालान भी कर रही है। एक तो हमारी जो चेकपोस्ट है, जो लोग बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, तब उनको प्रवेश दे रहे हैं। साथ ही साथ रात 9 बजे के बाद पूर्णतया जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस मोबाइल में रह रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश, प्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण। प्रवासियों का होम क्वारंटीन अनिवार्य, राज्य में टीकाकरण में तेजी लाने पर दिया जोर। देश भर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से, 18 साल से अधिक आयु के लोगों का होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में जुटा प्रशासन। नारसन बॉर्डर पर हो रही कोविड जांच, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
और बागेश्वर जिला अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए 26 बेड तैयार, 28 स्थानों पर हो रहा है टीकाकरण। जिले में कोरोना के 106 एक्टिव केसेस। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है, साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।